हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसआर ट्रेवल एंड फन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। आप लोग देख सकते हैं हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और जा रहे हैं धनुषकोटी घूमने के लिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हमारे देश में कई ऐसी सारी जगह हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी ही जगह है धनुषकोटी। धनुषकोटी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है और इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से श्रीलंका दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि ये जगह पहले सी वीरान थी, ये एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान हो गई है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, और हम लोग अभी जा रहे हैं विभीषण टेम्पल, देख सकते हैं आप लोग। हे गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, विभीषण टेम्पल। फ्रेंड्स, ये कोदंड रामर टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो इसका कोदंड का अर्थ है धनुष। और समुद्र में एक प्राचीन मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवन तथा विभीषण जी के बहुत सुंदर विग्रह हैं। और यहीं विभीषण जी राम जी के शरण में आए थे तथा यहीं उनका राज अभिषेक किया गया था, देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स दर्शन हो गया, मौका भी विभीषण जी के मंदिर जी का। अब हम लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं। हे गाइस, आपको बता दें कि साल 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुषकोटी भारत का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल था। उस दौरान धनुषकोटी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस बना हुआ था, लेकिन साल 1964 में आए चक्रवात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी, तब से यह जगह सुनसान हो गई है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, इस जगह को देखने से ही ऐसा लगता है कि ये सुनसान रोड बहुत ही भयानक दिखता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे उस टाइम में रेलवे स्टेशन था, जो कि कुछ शेष अभी बचे हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे पहले रेलवे स्टेशन था। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, उस टाइम का ये बहुत ही बड़ा चर्च था। और फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद बहुत ही मतलब डरावना जैसा दिखता है, क्योंकि आगे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही भयानक दिखता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाते हुए। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। Thank you.
फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, हम लोग जब धनुषकोटी पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कहा जाता है कि ये जगह पहले से ही वीरान नहीं थी, क्योंकि पहले धनुषकोटी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसी सीमा है जो पाक जलसंधि नेपालों के किले पर मौजूद है, और इसकी लंबाई केवल 50 गज है, और इसी कारण से ये जगह को विश्व लघुतम स्थानों में से एक माना जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आते ही लैंडमार्क के पास फ़ोटो वोटो खिंचवाने लगे, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। फ्रेंड्स कहा जाता है कि इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोटी से रामेश्वरम का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतहा भी मानते हैं। फ्रेंड्स, मेरी धनुषकोटी की पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें हम लोग इतनी दूर तक नहीं आ पाए थे, क्योंकि पानी लैंडमार्क के पास तक लगा हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार यहाँ आए तो देखे कि पानी बहुत दूर तक लगा हुआ है फ्रेंड्स, जिससे कि हम यहाँ आके बहुत ही इन्जॉय किए। एक बीच जैसा फीलिंग आ रही थी फ्रेंड्स, और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरे दीवर लोग हैं जो कि बहुत ही इन्जॉय किए। फ्रेंड्स, ये ऐसी जगह है जो कि यहाँ पे दोनों सागरें आपस में मिली हुई हैं, जो कि एक हिंद महासागर है और दूसरी बंगाल की खाड़ी है। फ्रेंड्स देख सकते हैं लहरें कितनी ऊपर तक आ रही हैं, और बहुत ही फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है व्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों समुद्र के लहरों को हम लोग महसूस कर सकते थे, क्योंकि फ्रेंड्स जो बंगाल की खाड़ी की समुद्र जो थी, वो उसकी लहरें बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी आ रही थी, और हिंद महासागर की जो लहरें थी बहुत ही शांत थी, जिससे कि हम लोग इन दोनों समुद्र की लहरों को महसूस कर पा रहे थे फ्रेंड्स, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फाइनली देख रहे हैं, सब भींग गया, इतना मौज मस्ती किया कि भींग गया है सब। और देख सकते हैं सब, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई फ्रेंड्स।